ईडी, महंगाई, ये सभी बहाने हैं। ये सभी मुद्दों पर एक सप्ताह से, और एक प्रकार से देखें तो जब से सदन शुरू हुआ तब से कांग्रेस विरोध भी कर रही है, प्रदर्शन भी कर रही है। आज क्या था, हर रोज प्रदर्शन करते हैं तो वैसे ही प्रदर्शन करते हैं, जो कपड़े घर से पहनकर आए हैं उसी कपड़ों में करते हैं। मगर आज 5 अगस्त है, आज ही के दिन करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र जो राम जन्मभूमि है, वहां पर इस देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूमि पूजन किया। 550 साल से एक समस्या अधर में लटकी हुई थी। आजादी के बाद ज्यादातर समय कांग्रेस शासन में रही, समस्या के निपटारे के लिए कुछ नहीं किया, और जब मोदी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से समस्या का समाधान भी निकाला और बड़ी श्रद्धा और गौरव के साथ करोड़ों लोगों के श्रद्धा केंद्र श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास किया, आज उसी का पवित्र दिन। हर रोज जो प्रदर्शन करते थे आप सभी ने भी देखे हैं, आप सभी ने भी उनके कपड़े देखे हैं। आज सभी लोग, बड़े से बड़े नेता से लेकर छोटे से छोटे कार्यकर्ता तक, सारे कांग्रेसी काले कपड़े पहनकर आए थे। प्रचिन्न रूप से उन्होंने एक संदेश भेजने का प्रयास किया है कि राम जन्मभूमि का जो शिलान्यास हुआ वो, और अब जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, दोनों के साथ हमारा विरोध है और हम इसी के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। कहने की तो हिम्मत नहीं है, मगर आज भी इतनी जगह शिकस्त खाने के बाद भी कांग्रेस अपनी तुष्टिकरण की राजनीति छोड़ नहीं रही है। मेरा स्पष्ट मानना है कि उन्होंने 5 अगस्त के दिन श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जो शिलान्यास हुआ है, इसी के विरोध के कारण ही काले कपड़े पहनकर विरोध किया है, अति तीव्रता के साथ विरोध किया है। और मैं मानता हूं कि तुष्टिकरण ने आजादी से अब तक देश का बहुत नुकसान किया है, तुष्टिकरण की नीति ने भी किया है, और सभी लोगों ने तुष्टिकरण की नीति से तौबा करना चाहिए। धन्यवाद।